एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुज रियल लाइफ ब्लॉग्स। हो गाइस, कैसे हो सभी? आई होप सभी अच्छे, सभी एकदम भले चंगे होंगे। और ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ अपने रूम का सेटअप, जो मैंने चेंज कर दिया है। अभी पहले बेड इस साइड था ना, तो मैंने बेड को उस साइड किया है, और जहाँ पे बेड था वहाँ पे मैंने कबर्ड को रखा है। तो मैं आप लोगों से पिछले वीडियो में बोल रही थी ना कि मैं अपना रूम का सेटअप चेंज करूँगी, तो बस मैं अपना रूम का सेटअप चेंज कर दिया। तो आप लोग बताइएगा मुझे कमेंट करके कि ये कैसा लग रहा है इस साइड, और या फिर कुछ और एडवाइस देना हो तो आप लोग दे सकते हैं कि मैं बेड को किस तरह से लगाऊं, क्योंकि मैं अपना रूम का सेटअप हमेशा ही चेंज करती रहती हूं, कभी इधर कभी उधर सारा सामान। मतलब मैं एक तरफ जब सोते सोते ना ये रूम एक साथ देखते देखते थोड़ा बोर हो जाती हूं, तो रूम का सेटअप चेंज कर देती हूं। तो आप लोग बताइएगा कॉमेंट करके ज़रूर कि कैसा लग रहा है इस तरह से, और या फिर किसी और तरह से रखना है तो। और बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, और अभी शाम का टाइम हो रहा है तो मेरे सारे राशन ख़त्म हुए पड़े थे, सब कुछ मैंने मंगवाया है, ये तो मैंने आपको दो तीन वीडियो में बता चुकी हूँ। तो बस मैं वही डब्बे में सब भर रही थी अभी, क्योंकि सारा डब्बा भी खाली हो चुका था। तो वहाँ पे बेसन मैंने पहले भरा, और जो दो पैकेट मैंने आप लोगों को दिखाया ना बेसन का, वो दो पैकेट मुझे फ्लिपकार्ट की तरफ से फ्री में आया था, तो इसलिए मैंने आप लोगों को दिखाया। दो टाटा संपन्न का बेसन था, और टाटा संपन्न का बेसन ऐसे भी बहुत अच्छा रहता है, तो आप लोग भी उसे ले सकते हैं। और उसके बाद मैंने तेल बॉटल में रखा, और इस बार मेरे से बिल्कुल भी तेल नहीं गिरा था, तो वही मैं बता रही थी आप लोगों को कि इस बार मेरे से थोड़ा सा भी तेल नहीं गिरा, क्योंकि मेरा बाबू डिस्टर्ब नहीं कर रहा था मुझे, तो अच्छे से तेल भी मैंने बॉटल में फिल किया। पाउच से बॉटल में तेल फिल करना ना बहुत चैलेंजिंग वाला काम होता है, क्योंकि हमेशा वो गिरता ही है, पर इस बार मेरा नहीं गिरा थोड़ा सा भी। तो उसके बाद मैंने आटा रखा, और आटा रखने के बाद यहाँ पे मैं बर्तन धो रही थी, थोड़ा बहुत जो भी बचा हुआ था बर्तन धो के मैंने उसके बाद दूध डाल दिया है बाबू के लिए ठंडा होने, क्योंकि मैं दूध बॉयल कर रही थी ना, तो बॉयल हो चुका था दूध शाम में, तो मैंने ठंडा होने के लिए डाल दिया थोड़ा सा, क्योंकि दूध उसके लिए था नहीं, तो उसके बाद वो पिएगा। और उसके बाद ये सारे डब्बे मेरे मसाले के डब्बे वो सब खाली हो चुके थे, तो मैंने सुबह में सब इस सबको धो के रख दी थी कि सूख जाएगा तो फिर मैं सब में मसाले भरूँगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी, नमक, मिर्च पाउडर सब कुछ भरा है। और उसके बाद अब जाके मैं सोच रही थी क्या बनाऊँ खाने में, क्या बनाऊँ, तो अभी मेरा ज़्यादा कुछ खाने का मन नहीं हो रहा है, और थोड़ा सा राइस भी बचा हुआ है, तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा हलवा बना लेती हूँ सूजी का। और यहाँ पे महाराष्ट्र में इसको सीरा बोलते हैं, तो महाराष्ट्र में इसको सीरा बोलते हैं, और हम लोग की तरफ सूजी का हलवा बोलते हैं, और यहाँ पे सूजी को ना रवा भी बोलते हैं। तो ये मैं सूजी का हलवा बना रही थी, और मैंने पैकेट मंगवाया, तो मैं निकाल के थोड़ा सा पहले उसको देख ले रही थी कि सूजी में कुछ है तो नहीं, तो कुछ भी नहीं था, सूजी बहुत अच्छा था। तो बस मैंने थोड़ा सा सूजी निकाल के कढ़ाई में डाल दिया है भुनने के लिए, और जब सूजी भुन जाता है ना अच्छे से, तो उसके बाद मैं उसमें घी डालती हूँ, क्योंकि सूजी को ऐसे ही भुनने से ना सूजी और मतलब थोड़ा भुन के ना बड़ा बड़ा मोटा मोटा जैसा हो जाता है, तो पहले भुन के उसके बाद घी डालने में ना ढाल के हलवा बनाने में उसका अलग सा ही टेक्सचर आता है, सूजी थोड़ा मोटा मोटा फूला फूला सा हुआ लगता है। तो बस यहाँ पे भुन चुका था सूजी, तो मैंने घी डाल दिया, और उसके बाद उसमें शक्कर डाला, और शक्कर डालने के इमीडिएटली बाद पानी डाल दिया, और पानी डालने की थोड़ी देर बाद ही ये खुद ही गाढ़ा होने लगता है और जम जाता है। और मैंने यहाँ पे थोड़ी सी सूजी निकाल ली है, उसमें घी और शक्कर सब मिला के, और ये ना मैं आयान को खिला रही थी, क्योंकि ऐसे भी ये मतलब मैं शक्कर का डब्बा खोलती हूँ तो शक्कर खाने के लिए आता है ना, तो मैं उसको वो खिला रही थी। तो बस ये लीजिए, सूजी का हलवा बन के तैयार है, आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। और नाइट में मैं यही खा के सो गई थी, और कुछ भी नहीं बनाया, और थोड़ा राइस था तो मैंने उसे फ्राई कर लिया था, और दाल और राइस, फ्राइड राइस, बस वही वही हमारा डिनर हो गया था। और ये सुबह का वीडियो है, यहाँ से सुबह से वीडियो स्टार्ट, आज सैटरडे हो चुका है, तो सैटरडे को आज मैं बना रही हूँ खिचड़ी बहुत दिन के बाद, मतलब जब मैं पुराने घर में थी ना तभी बनाई थी, इस नए घर में आज तक एक बार भी मैंने खिचड़ी नहीं बनाया, पूरे 1.5 महीने हो गए मुझे इस घर में आए हुए, तो आज जाके मैं बना रही हूँ खिचड़ी यहाँ पे।
तो मैंने दाल चावल सब कुछ सेट किया है उसमें धो के, और फिर उसमें मसाले भी डाल दिए सारे, नमक हल्दी मिर्ची सब कुछ और थोड़े से तेल। और उसके बाद मैंने उसमें दो टमाटर कट कट के डाल दिए, क्योंकि और कोई सब्ज़ी थी नहीं, गोभी वगैरह भी नहीं था, तो बस टमाटर ही डाल दिए। और उसमें ही आलू भी डाल दिए दो तीन धो के, ताकि खिचड़ी के साथ साथ आलू भी बॉईल हो जाएगा। और खिचड़ी के बाद मैं आलू को फ्राई कर लूँगी, मतलब उसको बिहार में चोखा बोलते हैं, तो खिचड़ी और चोखा। और यहाँ पे फिर चिप्स वगैरह थोड़े से फ्राई किए हुए हैं, तो वो सब साथ में खा लूँगी। तो बस वहाँ पे मैंने फिर बर्तन धोए और उसके बाद दूध बॉयल करके रखा, और जब तक वो सब हो रहा है फिर मैं अपने और भी काम निपटा लेती हूँ साथ साथ में। यहाँ पे बेड वगैरह ठीक करना, बेडशीट वगैरह, बाबू इस पे सोता है ना तो टॉयलेट वगैरह करते हैं, तो वो सबको चेंज करना, धूप में डालना, और ये दूसरा चेंज करके ये दिन में रहेगा। फिर उसके बाद बेडशीट वगैरह झाड़ के, फिर झाड़ू वगैरह ये सब मैं अपने काम कर ले रही हूँ जब तक उधर दूध बॉईल हो रहा है। और कुकर में हमारा सीटी लग चुका है, बट उसका जो गैस है वो जब तक निकल नहीं जाता तब तक मैं ये सारे काम कर रही हूँ। और बस मैंने रूम में भी झाड़ू लगा लिया, किचन में भी लगा लिया, और यहाँ पे अभी हॉल में लगा रही हूँ झाड़ू। तो बस मैंने पूरे हॉल में भी झाड़ू लगा लिया, और आप लोगों को पूरे घर में कोई नहीं दिखा होगा, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो मेरा बाबू कहाँ गया। तो मैं पूरा काम वगैरह कर रही हूँ ना, तो थोड़े टाइम के लिए ये उसको टेरेस पे लेके गए हैं शायद, ताकि मैं आराम से झाड़ू वगैरह कर लूँ पूरे घर में, क्योंकि वो रहता है तो झाड़ू तो बिल्कुल भी नहीं करने देता। तो बस ये सब करके मैं फिर से आ गई किचन में वो देखने के लिए कि उसका गैस निकला सिटी का या नहीं, कुकर का। और जब पता चल गया उनको कि मेरा झाड़ू वगैरह हो गया है, तो बाबू भी आ गया है मेरा। तो यहाँ पे मेरा दूध भी बॉईल हो चुका है, तो मैंने गैस ऑफ कर दिया, और गैस भी इसका निकल चुका था कुकर का, तो इसे ओपन करके आलू निकाल लिए और फिर कढ़ाई चढ़ा दिए उसमें। अब मैं तड़का लगा लूँगी, तो तड़का लगाने के लिए तेल डाला और प्याज मिर्ची सब कट करके रख रही हूँ। और आज ना मैं फ़र्स्ट टाइम थोड़े से हींग यूज़ किए थे तड़के में, बट उसका फर्स्ट टाइम मैंने यूज़ किया हींग, इससे पहले मैंने कभी नहीं खाया था, बट उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आया, मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे खाने में, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। तो बस यहाँ पे मैंने तड़का लगाया, और इसी इसी में से तड़का निकाल के थोड़े से मैंने खिचड़ी में भी डाल दिया, और उसके बाद इसमें प्याज डाल दे रही हूँ, और प्याज जब तक भुन जाएगा उसके बाद इसमें आलू डाल दूँगी। पहले नमक डाल दूंगी, उसके बाद में आलू डालूंगी, ताकि एक साथ ही सब मिक्स हो जाए अच्छे से। तो बस यहाँ पे नमक भी डाल दिए और आलू डाल दूंगी। और गाइस, आप लोग सोचते होंगे कि मैं अकेले यहाँ पे क्यों रहती हूँ, मैं कहीं क्यों नहीं जाती। मतलब ऐसा एक कमेंट आया था मुझे कि आप अपने मायके क्यों नहीं जाती। तो गाइस, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि मतलब इतनी दूर घर से रहने का किसी को शौक़ नहीं होता, कोई भी रहता है तो मतलब मजबूरी में ही रहता है, और मेरी भी बहुत सारी मजबूरी है जिस वजह से मैं यहाँ पे रहती हूँ। और आप लोग मतलब मैं क्या बताऊँ, वैसे मैं पिछले साल गई थी, बट मैं इतनी दूर रहती हूँ ना कि बराबर जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो आई होप आप लोग समझ रहे होंगे। और बस उसके बाद मेरा चोखा भी बन चुका था, और उसके बाद मैंने थोड़े से ना जीरा रखा हुआ था तो उसका पाउडर बनाया, और उसके बाद वो बना के फिर मैंने मसाले के डब्बे में डाल दिया। और उसके बाद मैं नहा धुला के यहाँ पे पूजा कर रही हूँ, और उसके बाद खाऊंगी खाना वगैरह। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ एंड, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।